मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। बात 1930 की है। महाराज जी किला घाट पर रह रहे थे उस समय। किला घाट के प्रवास के दौरान वहीं पर राजपूत रेजिमेंट है, छावनी है, तो वहां पर उनके एक भक्त सूबेदार राम सिंह आते जाते थे उनके पास। उस समय क्वेटा से सूबेदार मेजर जगदेव सिंह बोहरा रायबरेली के रहने वाले थे, तो वो वहां पर ट्रेनिंग पे आए थे। राम सिंह जी उन्हें महाराज जी के पास लेके गए। महाराज जी ने कहा कि क्वेटा से आया है, शंकर की पूजा करता है और क्या होगा, तू इसे अपनी जगह दे दे और पेंशन चला जाएगा तू। ये जो उन्होंने बातें कही, क्योंकि सूबेदार मेजर जगदेव सिंह वहां केवल ट्रेनिंग पीरियड के लिए आए थे, इसके बाद वो अपने मूल तैनाती क्वेटा जाना था। क्वेटा से महाराज जी कह रहे थे कि अब ऐसा होगा कि क्वेटा से ये यहां पर आएगा और सूबेदार राम सिंह इन्हें चार्ज देंगे भविष्य में और पेंशन चला जाएगा, जबकि सूबेदार के मेजर बनने के कोई चांस ही नहीं थे। मेजर बनने के जब चांस नहीं थे तो फिर चार्ज कहां से देते, और प्रमोशन में सूबेदार राम सिंह से कई सीनियर सूबेदार थे तो पहले प्रमोशन उनका होगा। लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से राम सिंह सूबेदार से मेजर बने। राम सिंह को सूबेदार मेजर बना दिया गया और जब उनका सेवानिवृत्त का समय आया तो क्वेटा से सूबेदार मेजर जगदेव सिंह आए और राम सिंह के हाथों उन्होंने चार्ज लिया, वो अपने पेंशन लेके सेवानिवृत्त हो गए। तो एक हल्की सी मुलाकात महाराज जी ने भविष्यवक्ता की तरह उन्हें बता दी और यही हुआ। भक्त जब कोई बात पूर्व निर्धारित सुनी जाती है, जिसके व्यवहारिक रूप में परिवर्तित होने में कुछ संदेह होता है और वो संदेह न होकर वास्तविकता के धरातल पर बिल्कुल सही साबित होती है, तो ये गुरु की ही वाणी कर सकती है। और गुरु संत जब ऐसा कहता है तो भक्त उस पर विश्वास करता है। राम सिंह शुरुआत में ऐसा नहीं समझ पाए थे कि मुझे भी कभी मेजर बना दिया जाएगा, और वो मेजर बने। महाराज जी जब आशीर्वाद दे देते थे तो जो नियम होते थे वो महाराज जी के आदेश से चलने लगते थे। मैंने जनरल मैकन्ना की भी कहानी आपको सुनाई थी, जिसे जनरल के बनने के कोई चांस नहीं थे, वो जनरल बना। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में वन मंत्री थे, उनको आशीर्वाद दे दिया कि जा तू प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बन गया था। ऐसे ही राम सिंह सूबेदार मेजर बन गए थे और उन्हें जो ट्रेनिंग करने आए थे मेजर जगदेव सिंह को चार्ज दिया था। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।